अपने आदर्श और अखंड भारत के सपने के कारण चंद्रगुप्त कठोर हृदय के साथ दुर्धरा को पाटलिपुत्र भेजता है। उधर भद्रसाल दुर्धरा के समक्ष पिछले सारे घटनाक्रमों को छिपाने के लिए शर्त रखता है। अचानक दुर्धरा की वापसी से धनानंद प्रफुल्लित हो जाता है। इधर चंद्रगुप्त चाणक्य के पास जा उनसे अपने टूटे मनोबल को पुनः संतुलित करने का उपाय पूछता है। जो हुआ वो बीता हुआ कल था, बीत चुका है। भाग्य को दोष मत दीजिए। क्या पता भाग्य ने जो किया है वही आपके लिए ठीक हो। संभवत ही वो आपके लिए था ही नहीं। हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों अचानक उसके मन में हमारे इतनी घृणा, इतना क्रोध? वो वशी हमारे बारे में सब कुछ जान गया होगा। वो सब कुछ जान गया होगा मीका, पर कैसे? कैसे? कैसे मीका? कैसे? मीका? किसने बताई उसे हमारी सही पहचान? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बोलो। उसका वो अखनवी मित्र, क्या नाम क्या है उसका? नाम मीका उसका? सोचा था हमने, हम तो सदा के लिए मीका बनने के लिए भी तैयार थे। कितना कितना सुंदर था सब कुछ। भाग्य से कुछ अधिक ही मांग लिया हमने, कुछ अधिक ही मांग लिया। सब कुछ समाप्त। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये अन्याय है हमारे साथ, ये अन्याय है, ये अन्याय।
मैं जानता हूं आचार्य, ये अनुचित है, किंतु क्या करूं? मेरे मन के किसी कोने में उसके लिए जो भावनाएं हैं वे रह रहकर मुझे आंदोलित कर देती हैं। एक प्रकार से कह सकता हूं इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है चंद्रगुप्त। तुम्हें मैंने सभी प्रकार की विद्याएं दी, किंतु अपने चित्त को संभालने के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया, विशेषकर ऐसी संवेदनशील भावनाओं को संभालने के बारे में, क्योंकि समूचे ब्रह्मांड और गणित का ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ये जो मन की आसक्ति से उपजा उद्वेग है उसे अपने अनुभवों से ही समझा जा सकता है। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने हृदय का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए। उसके अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। तो मेरी मान्यताओं के अनुसार अब तुम मेरे प्रिय मित्र की तरह हो चंद्रगुप्त, और अब हृदय को समझने के लिए और उसे संतुलित रखने के लिए मैं अपने अनुभवों से तुम्हें विभिन्न मार्ग दिखा सकता हूं। तुम्हें इस समय जिस पीड़ा का अनुभव हो रहा है वो किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, किंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हृदय में झंझावत चल रहा है। वैसी पीड़ा का अनुभव आज तक विश्व में किसी ने किया ही नहीं होगा, किंतु ये एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के प्रभावों को काबू ना किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए यह घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व की छाया भर रह जाता है, वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है।
कभी कभी सोचता हूँ आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। धनानंद राजगृह की जनता को फिर से अपनी सेना में अग्रिम पंक्ति के पदाति सैनिकों के रूप में बलपूर्वक अपनी सेना में लेकर कलिंग विद्रोहियों को कुचलने वाला है। वो राजकुमारी दुर्धरा राजकुमारी जी अखंड भारत का निर्माण एक ऐसी शैया है जिस पर तरह तरह के आत्मानुशासन के कांटे बिछे हैं और इस पर वही लेट सकता है जिसने अपने शरीर को अभ्यास करके वज्र सा बना लिया हो। और इस प्रकार के व्यक्ति के लिए स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं, स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से दो गुना भूख, चार गुना लज्जा और आठ गुना कामुकता होती है। भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। किंतु इस समय तुम्हारे समक्ष प्रश्न ये होना चाहिए चंद्रगुप्त, कि अखंड भारत के सम्राट के लक्ष्य के अनुरूप क्या तुमने स्वयं को वज्र सा बना लिया है? और वज्र बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बनना पड़ेगा। तुम अपने मन की आज्ञा के अनुसार ना चलो, अपितु तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले। ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ही वज्र स्नायु वाला व्यक्ति माना जाता है। और इतने बड़े लक्ष्य के लिए इससे कम की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। तो चंद्रगुप्त, विगत दिनों के अनुभवों ने यदि तुम्हारे मन को उद्वलित किया है तो
तो अपने मन को फिर से वश में करो और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मांगो, कुछ भी मांगो, तुम जो मांगोगी वो देंगे। कुछ भी करेंगे हमारे लिए? कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। सत्य आचार्य कि मेरा मन अशांत है, किंतु आपके आशीर्वाद से अखंड भारत के लिए आप ही के साक्ष्य में मां के जलते शव के सामने जो प्रतिज्ञा ली थी मैंने, उसे कभी नहीं भूल सकता। और मेरे मन में आने वाले विचारों को भी मैं अपनी इच्छा शक्ति से एक और कर सकता हूं आचार्य, फिर चाहे वो दुर्धरा हो या उससे जुड़ी कोई भी संवेदना। और यदि फिर भी मन ना माने तो उसे दंडित करने की क्षमता भी रखता हूं। आप ही के चरणों में बैठकर इसका अभ्यास किया है मैंने। मेरे लिए मेरे मन से बढ़कर मेरा गुरु है आप हैं आचार्य। ये तो बस मेरे मन के भाव मुझे पीड़ा दे रहे हैं, इनसे उभरने में मेरी सहायता करें आचार्य। मेरी सहायता करें, तुम्हें एक नए अभियान की आवश्यकता है चंद्रगुप्त। धनानंद राजगृह की जनता को फिर से अपनी सेना में अग्रिम पंक्ति के पदाती सैनिकों के रूप में बल पूर्वक अपनी सेना में लेकर कलिंग विद्रोहियों को कुचलने वाला है। राजगृह, छोटा सा ही सही, हमारा भी अपना एक राज्य था। मुखिया थे चंदू के पिता वहाँ के, लेकिन एक दिन धनानंद के सैनिकों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस स्वर्ण को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, इससे आप यहाँ छोटा किंतु एक विशिष्ट गुरुकुल खोलेंगे, जिसमें आपके कबीले के सभी वीर और भविष्य हम जो सेना बनाने वाले हैं उसमें जिन्हें भी जोड़ा जाएगा, ताकि समय आने पर वो धनानंद की सशस्त्र सेना से लोहा ले सके। राजगृह, जनसाधारण को सेना में बलपूर्वक अग्रिम पंक्ति के पदाती सैनिक बनाने के लिए तैयार किया जाएगा, और हमें चाहिए जनशक्ति उत्तम। अभी तुम्हारे मन को पूरी तरह से झकझोरा नहीं गया है, यह अच्छी बात है चंद्रगुप्त। आज तक किसी भी अभियान में तुम्हारे मन को पूरी तरह से नहीं झकझोरा है, और इस अभियान के लिए
तुम्हारे साहस के साथ साथ तुम्हारे हृदय की दृढ़ता की भी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा अभ्यास रहेगा ये। नया अभियान आचार्य? हाँ अगला अभियान। अभी हमारे पास कुछ लोग हैं और स्वर्ण है, और इन कुछ लोगों का सैन्य प्रशिक्षण भी आरंभ हो चुका है, किंतु यदि हमें धनानंद के विरुद्ध युद्ध लड़ना है तो हमें अपनी सेना में और भी लोग चाहिए होंगे, और ये जनशक्ति तभी तुम्हारे साथ होगी जब इन लोगों को तुम पर विश्वास हो जाएगा कि तुम धनानंद को युद्ध में पराजित कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हें इनकी आशाओं का, इनकी इच्छाओं का प्रतीक बनना होगा। तुम्हें इनका नायक बनना होगा चंद्र। यह अभियान तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं की ही नहीं अपितु तुम्हारी भावनाओं की भी परीक्षा लेगा। इसलिए अब तुम्हारे मन में जो भी दुविधा हो, तुम्हारे मन में जो भी अंतर्द्वंद चल रहे हो, उन्हें एक ओर रखकर हमें एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलना है। जाओ यात्रा की तैयारी करो। विजयी भव। ये यात्रा तुम्हें तुम्हारी जड़ों से, तुम्हारे पारिवारिक इतिहास से तुम्हारा साक्षात्कार करवाएगी। इस यात्रा में तुम अपने पुरखों के उस गांव को जानोगे जहां से नंदवंश का आरंभ हुआ था और जो तुम्हारे पिता का भी गांव है। इसीलिए हम आपको खोज रहे थे। अब आप ही समझाइए राजकुमारी जी को। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, गलत है। दुर्धरा, द्वार खोलो दुर्धरा। अरे जब से तुम आई हो तब से हमने तुम्हारे द्वार से केवल तोड़फोड़ की ही ध्वनि सुनी है। बताओ तो सही, बात क्या है? अरे सुनो, हम ऐसा क्या करें जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? मांगो, कुछ भी मांगो, तुम जो मांगोगी वो देंगे। तुम एक बार मांगकर तो देखो दुर्धरा। अरे एक बार बाहर तो आओ। दुर्धरा, ये आप हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं ना? प्रसन्न देखना चाहते हैं ना पिताश्री? कुछ भी करेंगे, बोलिए पिताश्री, कुछ भी करेंगे हमारे लिए। कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो हमारा विवाह करा दीजिए। विवाह? किंतु हाँ हाँ करा देंगे, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो अवश्य करा देंगे तुम्हारा विवाह। किंतु किससे? तुम्हारी दृष्टि में कोई है? किसी से भी।
कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे ये तो आनंदमय सूचना हुई, इसके लिए तुमने क्रिकेट था। किंतु हमें आवश्यक व्यवस्थाएं भी तो करनी होंगी हैं? अरे आमात्य कोई है? राजकुमारी जी, तुम चिंता मत करो मेघा, हमने एक शत्रु से प्रेम करके बहुत बड़ी भूल की है, हम सब कुछ भुला देंगे, सब कुछ। उसकी अंतिम स्मृति तक को मिटा देंगे। मुझे नहीं लगता वो फिर कभी वापस आएगा। अग्नि संस्कार चल रहा है, इतनी सारी चिताएं? ये सब उनकी चिताएं जो अब भी जीवित है। राजगृह की सीमा यहीं से आरंभ होती है चंद्रगुप्त। राजगृह जनपद में क्षत्रियों के कई छोटे छोटे गांव हैं। क्षत्रिय मगध की युद्ध लड़ने को ही अपना कर्म और धर्म मानने वाली जाति। ये क्या हो रहा है आचार्य? ये चिताएं हैं, अग्नि संस्कार चल रहा है, इतनी सारी चिताएं, चलकर देखते हैं आचार्य। यदि तुम्हारी इच्छा इन्हें निकट से देखने की है तो अवश्य जाओ। ये सब क्या है आचार्य? हम गरीबों पर इतने अत्याचार कर रहे थे, ईश्वर तुझे मिटा दे, तुझसे तेरा सब कुछ छीन ले। हे ईश्वर, मुझ
सबसे अधिक अभागन माँ, और कौन होगी इस मगध में? बेटी की चिता जला रही हूँ, जीवित बेटी के सामने। माँ तू रो मत, हमारे पास तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। ये सब उनकी चिता है, जो अब भी जीवित है। जब ये सब जीवित हैं, तो उनकी चिताएं जलाना ये कैसे संभव है आचार्य? राजगृह में ये लोग जीवित होते हुए भी मृत के समान हैं। धनानंद के आदेशों से इन्हें बलपूर्वक मगध की सेना में अग्रिम पंक्ति का पदाति बनाया जाता है। अग्रिम पंक्ति का पदाति वो होता है जो शत्रु का पहला वार सहने के लिए होता है, अर्थात शेष सभी सैनिकों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले शत्रु का आक्रमण सहकर मरने वाले पैदल सैनिक। सेना में इन्हें मरने के लिए ही भर्ती किया जाता है, और धनानंद राजगृह से ही अग्रिम पदाति चुनता है। किंतु राजगृह से ही क्यों आचार्य? क्योंकि यहीं से नंद वंश का आरंभ हुआ था, क्योंकि यही वो स्थान है जहां उनके विरुद्ध इन क्षत्रियों ने पहला विद्रोह किया था। इसलिए इन क्षत्रियों को पाठ पढ़ाने के लिए नंदों ने इनसे इनका मूल क्षात्र धर्म ही छीन लिया। इन्हें अस्त्र शस्त्र से लड़ने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, बस हर युद्ध में इन क्षत्रियों को मरने पर विवश करने के लिए सेना की अग्रिम पंक्ति का पदाति बना दिया जाता है। किंतु क्यों आचार्य? इसके कई कारण हैं, किंतु कोई भी कारण तुम्हारे लिए इतना महत्व नहीं रखता जितना कि ये तथ्य। तुम्हारे पिता यहीं से थे, मेरे पिताजी। हाँ चंद्रगुप्त, जो मरते मरते तुम्हारे लिए कई अधूरे कार्य छोड़ गए, जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। राजगृह के पहले क्षत्रिय विद्रोह से जुड़े हुए अधूरे रह गए कार्य, जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें लाया हूं मैं। तुम्हें यहीं अपनी सेना बना, इन्हें युद्ध शास्त्र में पारंगत कर इन्हें इनका क्षात्र धर्म वापस लौटाना है। क्या हुआ था आचार्य, मुझे सब जानना है। आचार्य क्या हुआ था यहां पर, ये सब चिता, ये मेरे पिता मेरे लिए कौन सा अधूरा कार्य छोड़कर गए थे आचार्य, और ये क्षत्रियों के विद्रोह की घटना, ये सब हुआ क्या था यहां पे आचार्य? बताइए मुझे, बताइए आचार्य। ये वो समय था जब इस क्षेत्र के क्षत्रियों की वीर गाथा की ख्याति चहुं ओर फैली थी। पिता की मिसाल है।
आपने जिनकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखा है उनके और आपके बीच का संबंध बताइए। वो हमारे पिताश्री थे, महाराज अपने कुल गोत्र का उच्चारण कीजिए। हम नंद हैं। आपने जिनके लिए श्राद्ध रखा है उन स्वर्गीय पिताजी का नाम बताइए। मगध नरेश, महापद्मानंद। वो समय था जब इस क्षेत्र के क्षत्रियों की वीर गाथा की ख्याति चहुं ओर फैली थी। कई वर्ष पहले की बात, धनानंद से पहले, जब उसके पिता महापद्मनंद का राज्यभिषेक हुआ था उससे भी पहले मगध पर शिशुनाग का शासन और राजगृह मगध की राजधानी। उन दिनों आसपास के लोग इस क्षेत्र को क्षत्रियों की शक्ति का गढ़ मानते थे। राजगृह के क्षत्रिय इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ साहसी योद्धा माने जाते थे। उनकी शूरवीरता की गाथाएं समूचे भूभाग में किंवदंतियों के रूप में प्रचलित थी। महानंदन का सेनापति बहुत ही वीर साहसी और बहादुर था। सम्राट महानंदन अपने इस युवा सेनापति को बहुत चाहते थे। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है सेनापति। महाराज महानंदन की जय। महाराज महानंदन की जय। महाराज महानंदन की जय। ऐसा कहते हैं कि उसने असुरों के साथ और देवताओं के साथ भी युद्ध किए थे। वो सदा एक बात कहता था कि देवता हमसे ईर्ष्या करते हैं, वे हमसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हम नश्वर हैं, क्योंकि हमारा कोई भी क्षण
हमारा अंतिम क्षण हो सकता है, इसलिए हमारे लिए सब कुछ अलौकिक है, क्योंकि हमारा अंत निश्चित है। किंतु देवता नहीं चाहते कि हम मरे। क्योंकि हमारी मृत्यु उन्हें अपने अमरत्व की याद दिलाती है। इसलिए वीरों, अभी या फिर कभी नहीं, तुम जितने प्यारे युद्ध क्षेत्र में दिख सकते हो और कहीं नहीं दिख सकते। तुम निर्भीक होके मृत्यु के पीछे भागो और ये तुम्हें बचाते रहेंगे। मां नंदिन ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने का निर्णय लिया और साथ ही अपनी राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने की घोषणा की। पाटलिपुत्र जो उस समय का सबसे अधिक विकसित महानगर था। इतिहासकारों का मानना है कि जब उसने अपनी राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र ले जाने की बात की, तब तक वो अपनी प्रशासनिक इकाइयां वहां ले जा चुका था। शिशुनाग राजवंश लगातार समृद्धि और शक्ति के सोपान चढ़ रहा था, किंतु शिशुनाग दरबार में सभी संतुष्ट नहीं थे। महानंदिन की असंख्य संतानों में से एक संतान थी जो असंतुष्ट थी, वो था धनानंद का पिता मां पद्मनंद। नहीं, नहीं, मुझे नहीं मार। ईश्वर, ये तूने क्या किया? तुझे मुझ पर दया नहीं आती क्या? महापद्मना महानंदिन की प्रिय दासी से उत्पन्न उसकी अवैध संतान थी। चूंकि महापद्मनंद के साथ उसके जन्म को लेकर ये दासी पुत्र होने की छाप लगी थी, इसीलिए सभी शिशुनाग बंधुओं में वो सदा हास्य और उपहास का पात्र बना रहता था। उसके पिता की वैध संतानें उसके अपने भाई उसका उपहास उड़ाने का और उस पर व्यंग कसने का कोई भी अवसर नहीं गंवाते थे।